बहुजन समाज के लोगों को अधिकतर दबा कुचला पिछड़ा समझा जाता है, लेकिन आज वही लोग अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर अपना जोहर दिखा रहे हैं। उन्हीं में से एक है उड़ीसा की माओवाद प्रभावित मलकानगिरी जिले की एक आदिवासी लड़की, जो सालों पहले आकाश में उड़ने का सपना देखा करती थी और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। आखिरकार अपने सपने को हासिल करके ही दम लिया। यह प्रेरणादायक कहानी है 23 वर्षीय अनुप्रिया लाकड़ा की। पायलट बनने की चाह में अनुप्रिया ने 7 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और 2012 में उसने यहाँ उड्डयन अकेडमी में दाखिला ले लिया। अपनी काबिलियत और लगन के बल पर जल्द ही वह एक निजी विमान कंपनी में को पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लाकड़ा को बधाई दी और कहा कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। पटनायक ने ट्वीट किया कि मैं अनुप्रिया लाकड़ा की सफलता के बारे में जानकर प्रसन्न हूँ। उसके बाद सतत प्रयासों और दृढ़ता से हासिल की गई सफलता कईयों के लिए उदाहरण है। एक काबिल पायलट के रूप में अनुप्रिया और सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं। अनुप्रिया के पिता मारिनियास लाकड़ा उड़ीसा पुलिस में हवलदार हैं और माँ जामज यास्मीन लाकड़ा गृहिणी हैं। उसने 10वीं की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से तथा 12वीं की पढ़ाई सेमी लिदुगा के एक स्कूल से की। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पायलट प्रवेश परीक्षा की तैयारी भुवनेश्वर से की। उन्होंने बताया कि 2012 में अनुप्रिया ने भुवनेश्वर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पायलट बनने का उसका सपना हकीकत में बदलने से हम बहुत खुश हैं। यह एक निजी विमान कंपनी में को पायलट के तौर पर सेवाएं देने वाली है। अनुप्रिया के पिता ने कहा कि मलकानगिरी जैसे पिछड़े जिले में ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं उनकी मां ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह मलकानगिरी लोगों के लिए गर्व की बात है। उसकी सफलता दूसरी लड़कियों को प्रेरणा देगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।